पुणे से हजारों लाखों की संख्या में ज्ञानेश्वर माउली की पालकी लेके लोग पंडरपुर की तरफ निकल चुके हैं। हजारों की संख्या में इस तरीके के ट्रक आए हुए हैं जिसके अंदर जो भक्तजन है, वारकरी समुदाय, आप देख सकते हैं कोई सोया हुआ है, कोई मोबाइल देख रहा है, आराम कर रहे हैं, और इस समय ये ट्रक ही इनका रहने की सुविधा, इनके ठहरने की सुविधा, आप देख सकते हैं कई सारे ट्रक है। ऐसे ही एक ट्रक में अंदर जाके देखने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और अंदर कौन कौन है। आइए आइए कैमरा में। तुम्हें किती किती लोग का यहाँ गाड़ी मध्य आला है? तुम्हें किती या एक गाड़ी 30 लोग का व्यवस्थित आराम होता है? ये लोग 30 लोग इस एक एक ट्रक में, जो छोटा ट्रक है इसमें आए हुए हैं, और ही एक 22 दिवसाची ट्रिप असणार आहे माझा होते पूर्ण पालखी जी आहे। तुम्ही आषाढी एकादशीला पंढरपूरला पोहोचणार, बरोबर? आपला हा हिंदी न्यूज आहे किंवा इंग्लिश न्यूज आहे, मराठीतही बोलतो आम्ही। तर हे 20-22 दिवस तुम्ही या पद्धतीने या ट्रक मध्ये जाणार आहात। काय त्रास? अजिबात नाही, पाय पाय चालतात, रात्री थांबताना या ट्रक मध्ये थांबतात। बाळत महिला पण असते, बाळत तुझं वय खूप कमी आहे, तू आमचे व्ह्युअर्स आहे त्यांना सांग तू किती वर्षापासून येतोय आणि तुला कसं वाटतं याच्यात? काय नाव आहे तुझं? पवन लहाने। इस बार पहली बार आए, काय वय तुझं? 9वी में। अभी ये 9वी में पढ़ रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है, एज कितना है? 14 साल है, पहली बार आए हैं। थकने का सवाल ही नहीं होता, ज्ञानेश्वर माउली की पालकी लेके विट्ठल भगवान के दरबार में जा रहे हैं। एक ऐसा नादमय वातावरण है, एक ऐसा माहौल है जिसमें दुखियारों के दुख हर जाते हैं, जो जिनको सुख है वो खुशी से स्वखुशी से ये जो प्रोसेशन में इस पालकी में जो लोग जा रहे हैं उनकी सेवा करते हैं। तुमसा एक्सपीरियंस, जे लोग सेवा करता क्या तुम्हें, तुमसा एक्सपीरियंस कैसा है? लोग व्यवस्थित चहा पानी कि तुमची सेवा करता है? कवा चालन करत नाही, पूरे आनंद में, कभी कोई तकलीफ की बात नहीं। काय नाव तुमचं दादा? येडके साहब बोल रहे हैं कि आमतौर पे आप जब गांव में रहते हो आपके घुटने दुखते हैं, आपको तकलीफ होती है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी में कभी घुटने नहीं दुखते, कभी कोई तकलीफ नहीं होती, और भगवान की आरती में, भगवान के सम्मान में, भगवान के प्रति आस्था लगाकर तल्लीन होकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। काका तुमचा वय किती है? 70 साल के काका, किती वर्षापासून येत आहे? तुमचं काय गुडदे दुखणं किंवा काय आनंद उलटा? कोई पैर दुखने का सवाल नहीं होता काका। अगर आप देखेंगे इस ट्रक को डबल डेकर बना दिया गया है, डबल फ्लोर, नीचे फ्लोर पे आधे लोग रुके हुए हैं, ऊपर आधे लोग महिलाएं भी है इसमें। महिला 15 महिला आणि तुमचा ओव्हरऑल अनुभव कसा आहे? कोणाला एका त्रास आमची गाडी कोणी बसत नाही, आणि पुणे प्रशासन कडनं सुख सुविधा या पूर्ण पालखीत व्यवस्थित वारकरी समुदाय ये कह रहा है कि पंढरपूर और आलंदी में दिक्कत है क्योंकि वहां पर जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन रास्ते में जो पुणेकर है या बाकी जो भक्त है वो दिंडी में जाने वाले, पालकी में जाने वाले लोगों के लिए सब कुछ निछावर करके भक्त भावना से आपका स्वागत कर रहे हैं। न्यूज के लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने उठाया है एनवायरमेंट के एंगल से कि इंद्रायणी नदी है उसका पानी काफी दूषित हो गया, प्रशासन ने उसे देखना चाहिए, नहाने जैसा पानी अब वो नहीं रहा। उम्मीद है आप अगले बार जब आओगे तो प्रशासन इस पर भी ध्यान देगा। फिलहाल पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत, बहुत बहुत धन्यवाद।